जबलपुर में पिछले चार दिनों से हो रही बारिश से एक और मौसम सुहाना हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर मंगलवार को चंद्रपुर में सुबह से ही हो रही भारी बारिश दर्ज की गई। इसी के साथ आज चंद्रपुर से सटे दुर्गापुर में बारिश के साथ झाग भी आसमान से गिरने लगा, जिससे यहाँ के निवासियों में भय का माहौल देखने को मिला। आज तक के इतिहास में आसमान से झाग गिरने की यह पहली वारदात है जो चंद्रपुर की सटे दुर्गापुर से सामने आई है। बाजू में बसे चंद्रपुर महाऔष्णिक बिजली केंद्र द्वारा केमिकल प्रदूषण से इस तरह बदबूदार झाग आसमान से नीचे जमीन पर टपक रहे हैं। यह इंसान के लिए जहरीले होने का डर भी लोगों में पाया गया है। दुर्गापुर में बिजली केंद्र से 2 किलोमीटर दूर यह झाग गिरने लगे। जहाँ जगह जगह पर झाग गिरा हुआ है, यह वही झाग है जो आज सुबह से ही आसमान से जमीन पर गिर रहा है। आज तक इस तरह की कोई वारदात जहन में नहीं है कि आसमान से झाग निकल रहा हो, किंतु आज मंगलवार को चंद्रपुर से सटे दुर्गापुर में कई जगह पर बारिश के साथ झाग गिरा है, जिससे यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। साथ ही यहाँ के लोगों में भय का माहौल है। दुर्गापुर में एशिया की सबसे बड़ी बिजली निर्माण करने वाली पावर जनरेशन कंपनी है, जहाँ से बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन होता है। यहाँ लगे बॉयलर में से कोयले का धुआं निकलता है। हो सकता है कि इसी धुएं में से झाग का निर्माण होकर बारिश के साथ जमीन पर गिरा होगा। इसकी कोई पुष्टि नहीं है, किंतु आज मंगलवार को दुर्गापुर में हुई झाग की बारिश से लोग काफी भयभीत हुए हैं। अभी अभी यहाँ जो इंसिडेंस हुआ है, WCL की कॉलोनी का एरिया है ये, दुर्गापुर की ओपन कास्ट माइन का ये कैंटीन का एरिया है, और यहाँ बारिश के साथ में फोम नीचे गिरा हुआ है। बहुत लाइट वेट था, बारिश थी और बारिश के साथ में वो नीचे 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 गिरा है। जब हमने उसको देखा तो उसका बिल्कुल वाइटिश कलर था, बिल्कुल साबुन के फूम जैसा था, और उसका टेस्ट जब मैंने लिया, उसको चख के देखा मैंने, तो थोड़ा सा साल्टी और तेल के जैसा उसका जो था टेस्ट जो था मुझे मालूम पड़ा, और थोड़ा फोम जो था उसमें तेल जैसी भी बू थी। तो ये क्या हो सकता है कि भाई हम जहाँ खड़े हैं अभी, चिमनी जो है CTPS की उसके बिल्कुल बाजू में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, शायद 1-2 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस है, तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जो है वातावरण में हो रही है, और कोई ना कोई पॉल्यूटेंट जो है CTPS के चिमनी में से बाहर जा रहा है, और उसकी फिर बारिश के पानी के साथ में रिएक्शन होके इस परिसर में ये फोम जो है, फोम अभी हमको देखने को मिला है। पता नहीं वो साबुन का जो शैम्पू का जैसा फेस आता है वैसा आसमान से गिर रहा था, जब तक पानी शुरू था तब तक गिरता रहा, उसके बारिश बंद होने के बाद फिर बंद हो गया। ये बहुत देर तक गिरता रहा, सभी तरफ गिरता रहा। वो साबुन का जैसा फेस आता है वैसा स्पंज टाइप में था, वो फोम टाइप में, और उसमें बहुत गंदी स्मेल भी आ रही थी। हाँ, हमने हाथ में भी पकड़ के देखे, बहुत गंदी स्मेल थी उसमें। BCN News के लिए चंद्रपुर से प्रवीण बत्की की रिपोर्ट।